मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटन योजना के तहत आयोजना जिला स्तर कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम, खाद एवं नागरिक आपूर्ति कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पलवल पहुंचे। इस मौके पर वरिष्ठ अतिथि के तौर पर होडल विधायक जगदीश नायर, पलवल विधायक दीपक मंगला एवं भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार द्वारा प्लॉट दिए जाने की योजना के तहत आज पलवल में 1678 प्लॉट का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिलने का प्रयास सफल हो रहा है। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी का लाइव प्रसारण के तहत कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने संबोधन भी सुना। एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बाप बेटे की बबौती बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भी भाजपा का है। विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर बहुमत से भाजपा की सरकार को चुनेगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्लॉट मिलने वाले लाभार्थियों के चेहरे खिले दिखाई दिए। लाभार्थी प्रियंका, कविता सहित अन्य लोगों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि प्लॉट मिलने से उन्हें बेहद खुशी हो रही है। अब उन्हें अपनी छत बीजेपी के शासनकाल में मिल पाएगी और उनका अपना घर का सपना पूरा हो पा रहा है। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के धन्यवाद करूंगा। पूरे प्रदेश के 14 शहरों में जिस तरह के प्लॉट आवंटित किए गए हैं, आज पलवल में भी इस तरह के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। सभी आज दीपक मंगला जी मेरे साथ हैं, वाई जगदीश नायर जी पूर्व मंत्री चंद और सभी संगठन के लोग हैं जिनके 1670 प्लॉट आज लोगों को आवंटित किए जाएंगे। और जो भी बेसहारा जो महिला है, वंचित जाति है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन सबको आज हम प्लॉट पूरे हरियाणा में देंगे। ये हर जगह हर मंत्री की ड्यूटी लगाएगी, उसी में आवंटित किए जाएंगे। मंत्री जी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की आस्था टूटती चली जा रही है, बीजेपी परिवार में आ रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई असर मिलेगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय जिस तरह के हालात कांग्रेस और पूरे प्रदेश में है कि कांग्रेस एक बापू बेटे की पार्टी है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी नहीं है, बाप बेटा की पार्टी है। और कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने वाला है, बापू बेटे रहने वाले हैं और कांग्रेस में कोई रहेगा नहीं कि हर व्यक्ति काम नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली है, सबके विकास की, सबके उत्थान की बात करती है, हर क्षेत्र जाति धर्म मजहब का ध्यान रखती है। इसे लोग भारतीय जनता पार्टी पूछे। मोदी जी, विपक्ष का कहना है कि जो प्लॉट आवंटन किए जा रहे हैं वो चुनावों को देखकर किए जा रहे हैं, क्या चीज? नहीं, ऐसा कभी हमें चुनाव देखकर कभी कोई कार्य नहीं किया। ये तो पहले से ही प्रोसेस में है, बहुत लंबे समय से। कोई कांग्रेस के जो विपक्ष के जो लोग कहते हैं हम ना कोई रणनीति, हम आम व्यक्ति का पहले से ही हर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इस क्षेत्र में पहले से काम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अब की बार विधानसभा में 65 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, किस तरह मानते हैं कि कांग्रेस के विपक्ष को कहने के लिए तो उसने हाथ को ही मानेंगे। जीत की बात कर 14 में ही कहा, 19 में कहा और 24 में ही कहने वाले हैं। और मैं मानता हूँ कि आने वाले 24 के जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूरी बहुमत की बनेगी और बड़े दल से। प्रियंका, आपको आज प्लॉट मिला है, किस तरह मानते हैं? मैंने फॉर्म भरा था फरवरी में और अब मुझे 30 गज की प्लॉट मिलने जा रही है। किस तरह मानते हैं सरकार को? मैं बहुत अच्छी तरह मानती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं प्लॉट। तो सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि पिछली सरकारों ने कितना फायदा किया, कितना आज मिल रहा है? नहीं जी, पहले हमें कुछ नहीं मिला, राशन भी हमें अब मिलने लगा है। और पुरानी सरकारों में तो हमारा कभी राशन कार्ड भी नहीं बना, जितना हमें अब मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। क्या नाम है जी आपका? कविता। कहाँ रहते हो? सल्लागर न्यू बस्ती। यहाँ आए हो क्या, किस लिए आए हो? प्लॉट के वजह से सर। फार्म भरा था जनवरी में। प्लॉट मिल रही है, कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा हो रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? सरकार के लिए बहुत कुछ कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा काम किया है।
रहने के लिए जगह दी है। क्या नाम है जी आपका? राजवाला। राजवाला कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? रहने वाली रसूलपुर रहने वाले कस्बा मोहल्ला मीट मार्केट। आपको प्लॉट मिला है, क्या कहना है आपका, कैसी सुविधा मिली? प्लॉट आपको मिलेगा क्या? आप यहाँ आए किस लिए आए? अच्छा, किस लिए आए हो? प्लॉट के लिए आए। कैसा लग रहा है कि रहने के लिए प्लॉट मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे सरकार के लिए? और क्या नहीं, सरकार के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ढाई तीन महीने पहले भरा था, फॉर्म मिल रहा है। हाँ,